ये मेरी बेटी है, मर गई। तो देखो यार, आज ना Z5 के ऊपर एक नई बॉलीवुड मूवी को रिलीज किया गया है जो कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है काम चालू है और जिसको जाके आप Z5 के ऊपर फ्री में देख सकते हो। अब ये मूवी किस तरीके की है, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है नहीं करती है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा अलाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं, मूवी जो है वो आपके सामने महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक ऐसे कॉमन आदमी की कहानी को रखती है जिसने अपनी बेटी जो है वो एक रोड के ऊपर गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट के अंदर खो दी है, जिसको लेके उसके खुद के इतने बड़े बड़े सपने हैं जैसे किसी एक पिता के अपनी बेटी को लेकर होते हैं, उसके भविष्य से होते हैं। तो उस दुर्घटना के अंदर अपनी बेटी की जान को गंवाने के बाद कौन उसकी जान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो उसके खिलाफ स्ट्रगल फेस करता है, किस तरीके से वो फाइट बैक करता है और एंड में आके किस तरीके से वो ऐसा एक प्रण लेता है कि वो अपनी अंतिम सांस तक इस देश के सारे जो गड्ढे हैं उनको भरने का काम करेगा। कहने के लिए एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक बाप की जो पूरी की पूरी दुनिया है वो कैसे उजड़ गई है, इस तरीके से वो चाहता है कि यार जो चीज मेरी बेटी के साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। तो कितनी कमाल की ये स्टोरी है जो आप लोगों के सामने आनी चाहिए। जितने कमाल तरीके से फादर और डॉटर के बीच का बॉन्ड दिखाया गया है वो आपको डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। अब क्या पूरी की पूरी स्टोरी है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस मूवी को चेक करना पड़ेगा जो आपको Z5 के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। दैट्स अ गुड पार्ट। और जहां तक बात रही इसके रन टाइम के बारे में, तो इसका रन टाइम होने वाला है 1 घंटा और 22 मिनट, मतलब लगभग 80 मिनट के अंदर आप एक बहुत कमाल की जो मूवी है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक एक करके जल्दी से बात करते हैं इस मूवी के हाईलाइट के बारे में। सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा राजपाल यादव की, उनका कॉमेडी जो वर्जन है वो तो बहुत जबरदस्त है ही, लेकिन यहाँ पे आप सेकेंड हाफ में उनकी आप सीरियस एक्टिंग देखना भाई साहब, 2-3 सीन तो ऐसे हैं जिनमें उनका मोनोलॉग सामने निकल के आता है, लिटरली गूज़बम्स आते हैं उनकी एक्टिंग को देख के। एक बाप जो है वो मानसिक रूप से कितना दर्द झेल रहा है उसको जिस तरीके से राजपाल यादव ने अपनी एक्टिंग के थ्रू जो आप लोगों के सामने रखा है, ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट। इसके साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जिया मेहता, जो कि यहाँ पे राजपाल यादव की वाइफ का रोल प्ले कर रही है। उनकी एक्टिंग वाला काम जितना भी उनको दिया गया है वो डिसेंट है। इसके बाद बात करें जिस तरीके से आपके सामने यहाँ पे फादर और डॉटर के बीच के बॉन्ड को रखा गया है, आप ऐसा बोल सकते हो इस मूवी का जो पहला हाफ है वो उस केमिस्ट्री को, उस बॉन्ड को ही डेवलप करने में लग गया है। मूवी का जो मेन मुद्दा है वो सेकेंड हाफ में शुरू होता है, लेकिन वहां तक जब मूवी पहुंचती है तब तक आप कैरेक्टर्स के लिए इमोशंस जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से फील कर पाते हैं। इसके अलावा बात करें जिस तरीके से इस मूवी की स्टोरी है, देखो यार ऐसे ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स और भी होते हैं, बहुत सारे लोग और भी काम करते हैं, हम लोगों को बहुत लाइक ना के बराबर लोगों के बारे में पता है, और अगर ऐसी कोई स्टोरी आप लोगों के सामने आ रही है तो आपको उसको पूरी तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों के बारे में, और स्पेशली गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कितने लोग जो है उनकी लापरवाही, उनके लालच की वजह से अपनी जान को गंवा देते हैं। और अगर बात करें इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की, देखो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मूवी जो थोड़ी स्लो लगे, क्योंकि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो पूरी तरीके से बिल्डअप में जाता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मूवी स्लो है, लेकिन जितनी इमोशनल स्टोरी चल रही है, जिस तरीके से फादर और डॉटर के बीच के बॉन्ड को दिखाने की कोशिश की गई है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टोरी को डेप्थ देने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद जो इस मूवी का अगला नेगेटिव पार्ट होगा वो होगा इस मूवी के सेकंड हाफ में जो एंडिंग पोर्शन आता है, मुझे लगता है कि एंड में तो मूवी थोड़ा सा रश फील होती है। 1 घंटा 20 मिनट 22 मिनट के अंदर ना, इसकी बजाय अगर 20 मिनट एक्स्ट्रा होते तो उन्होंने क्या क्या काम किया, जो भी उनके और स्ट्रगल उन्होंने फेस करे अपने काम को लाइक आगे ले जाने में, अगर उसके ऊपर फोकस करते तो इस मूवी का जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा और फील होता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इम्पैक्ट फील नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से एंड में थोड़ा सा रश आपको डेफिनेटली फील होता है। तो इन द एंड देखो मैं आप लोगों से बस इतना बोलूंगा कि मेरे को जो ये मूवी है वो पसंद आई है। मूवी को स्टार्टिंग में ही देखकर जज मत करना। आई नो कि ये एक लो बजट की मूवी है, एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए, आपको जाके डेफिनेटली इसको वॉच करना चाहिए। तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 3.75/5 स्टार। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी काम चालू है। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको मूवी कैसी लगी नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक देखा है और आपको एक वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
इस वीडियो छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइफ 33।